हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेसन चल रहा है, इसमें आपने लेक्चर नंबर 6 तक बोर्स एटॉमिक मॉडल के बैकग्राउंड के पॉइंट्स पढ़े हैं। मतलब बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमें उनके लिए जो बेसिक डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको पढ़ा है, और उसमें अपन आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक पहुंच जाएंगे या नेक्स्ट लेसन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आज का जो मेन अपना टॉपिक चलता है वो होगा मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। यानी आपने बोर का एटॉमिक मॉडल शुरू कर लिया है, और इस बोर के एटॉमिक मॉडल में मुख्य मुख्य कौन कौन से पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं वो अपन सिस्टमेटिक प्लानिंग तरीके से शुरू कर रहे हैं। देखिए, बोर साइंटिस्ट को आपने पहले भी पढ़ा है और अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ते जाएंगे। एक लेंथी टॉपिक होता है, थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि मैं आपको यहां पर बोर नहीं होने दूंगा, बोर को पढ़ाऊंगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपना इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात बताऊं, ये काफी इंटेलिजेंट है और बहुत सोच समझ करके तरीके से प्लानिंग तरीके से सिस्टेमेटिक प्लान से बोर की ये जो एटॉमिक मॉडल है इसकी रिसर्च कर रहे हैं। चूंकि इन्होंने थॉमसन के साथ में भी काम किया है, रदरफोर्ड के साथ में भी काम किया है, और अभी पीछे आपने पढ़ा है क्लर्क मैक्सवेल है, इनकी भी थ्योरी आ चुकी है। तो बोर के एटॉमिक मॉडल में लगभग बाकी के साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए आप सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, ये कहना चाहते हैं कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल है, ऐसा बोर ने थोड़े बोला है, पहले स्टडी हो चुकी है। आप याद करिए, आपने जब थॉमसन का मॉडल पढ़ा था उस समय यह लाइन आ गई थी कि एटम स्फेरिकल होता है। फिर अगली बात, आप जानते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, P+N। मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो सेंटर में न्यूक्लियस है ये बात बोर नहीं बता रहे, मैं कह रहा हूं ना कि बोर ने थॉमसन के साथ भी काम किया है, बोर ने रदरफोर्ड के साथ भी काम किया है। तो फिर उनके जो एकदम करेक्ट पॉइंट है उनको इन्होंने मॉडल में साथ में जोड़ा है। आप जानते हैं ना कि एटम स्फेरिकल होता है और उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, मींस प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। फिर अगला पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट बना करके सीखेंगे तो जल्दी तैयार होगा। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल या सर्कुलर पथ में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पथ अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो बात आ रही है अब अगला पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पथ। ये जो सर्कुलर पथ है ये पढ़िए एक बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सर्कुलर पथ में अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर पथ में घूमते हैं। तो मैं आपको एक बार ये बता दूं कि ये जो सर्कुलर पथ आपने अभी अभी पढ़ा ये क्या होते हैं। सर्कुलर पथ को आप बोलिए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, या फिर आप इसको पढ़िए एनर्जी लेवल, या फिर आप इनको पढ़िए सेल, या फिर आप इनको रिप्रेजेंट करिए एन से, और इनके नंबर डालिए नंबर ऑफ ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5,
6 और इनको आप एक साथ में नाम दे दीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 को बोला जा रहा है। तो फिर ये जो सर्कुलर पथ है ये क्या है बोलो, या तो आप इनको ऑर्बिट्स बोलिए, या इनको एनर्जी लेवल बोलिए, या इनको सेल्स बोलिए, या फिर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करिए। और ऐसा आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा होगा कि इस फर्स्ट ऑर्बिट को के बोलते हैं, सेकंड ऑर्बिट को एल, थर्ड ऑर्बिट को एम, फोर्थ को एन, फिफ्थ को ओ, सिक्स को आगे और कंटिन्यू नाम आते जाएंगे। ये भी बात थोड़ी सी समझने वाली है कि ये बोर साइंटिस्ट थे, उनको एबीसीडी आती थी कि नहीं आती थी, ये कैसे कैसे शुरू कर रहे हैं, एबीसीडी से शुरू होती है। हो सकता है इनके साथ में कोई साइंटिस्ट हो और उनका नाम आगे चलाने के लिए जो है ना उन्होंने रिपीट किया हो, जैसे के से कोसेल। चलिए, हमने यहां थर्ड पॉइंट पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और वो जो सर्कुलर पथ होता है वो क्या होता है बोलिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, या उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, या उनको सेल्स बोलते हैं, उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। और उनको लिए हमें ये ऐसा कोई डायग्राम बना सकते हैं। देखो ये P प्लस N से तो बन गया न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस की चारों तरफ ये एक सर्कुलर पथ है। देखो इस सर्कुलर पथ में कौन है बोलिए, इलेक्ट्रॉन है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बोलिए, मूवमेंट कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। ये आपके पास में नंबर ऑफ ऑर्बिट वन है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे सकते हैं बोलिए, ये के ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है। एन इज इक्वल्स टू कितना है ये बोलो, बोलिए एन इज इक्वल्स टू 1 है। तो आप फर्स्ट ऑर्बिट यानी के को एन इज इक्वल टू 1 बोला, तो फिर ऐसे ही मैंने इसको नंबर 2 डाल दिया। अब शायद आपको पीछे वाली क्लास की ये वह बात याद आ गई होगी कि अब अपन इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्बिट को बोलिए 2, या फिर इसको क्या बोलू बोलिए एल। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट के बाद में एल, और एन इज इक्वल्स टू कितना कर दो 2, और ऐसे आप कंटिन्यू करते जाइए 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आती जाएंगी। और उनमें कौन मूवमेंट कर रहे हैं, देखिए ये मूवमेंट चल रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। एक सर्कुलर पथ बनाया, ऐसे गोलाकार पथ बनाया ऐसे, और उनमें कौन मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस कौन है बोलिए, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की तो अच्छी बनती है, बेस्ट फ्रेंड है पीएन। और ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, देख रहे हैं अंदर ये क्या कर रहे हैं ऐसे। तो चलिए, बोर ऑर्बिट में, बोर के एटॉमिक मॉडल में छोटे छोटे जो पॉइंट थे, आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि ये स्फेरिकल होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पथ में मूवमेंट करते हैं, सर्कुलर पथ को ऐसा बोला जाता है। और अब नंबर 4, ये जो सर्कुलर पथ होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में यानी कि एनर्जी लेवल में, सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहां पर एक फॉर्मूला याद रखिए, 2n स्क्वायर। ये जो 2n स्क्वायर है, स्मॉल n लिखा है मैंने, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट में। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हैं। तो आप ये भी बात याद रखिए कि कौन से साइंटिस्ट की हेल्प से बोर ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए थे ऑर्बिट में। जैसे ये थॉमसन की हेल्प है, जैसे ये रदरफोर्ड की हेल्प है, जैसे ये बोर ने इनकी नेमिंग बता दी है। लेकिन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बरी साइंटिस्ट थे,
इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रिंसिपल को बोर बारी प्रिंसिपल बोला गया था। आप याद रख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट 2n² बारी साइंटिस्ट की हेल्प से आया है। और उसमें कैसे निकाले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, बोलिए के ऑर्बिट्स, मींस n इज इक्वल्स टू कितना है 1, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने करो, n की वैल्यू 1 कर दो, तो लीजिए 2 × 1² कितना आ गया 2। तो बताइए l ऑर्बिट्स, ये l ऑर्बिट्स, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए n इज इक्वल्स टू 2, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2 की पावर 2, ये n की जगह पे मैंने 2 कर दिया, तो बोलिए 4 × 2 मींस 8। तो आप बताइए l के बाद m में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n की जगह 3 कर दो, तो बोलिए 2 × 3 की पावर 2, यस 3 × 3 यानी 9, 9 × 2 यानी 18। और ऐसे आप किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। मैं समझता हूं शायद आपके ये पॉइंट्स जो मेन पॉइंट चल रहे हैं बोर मॉडल के, ये समझ में आ रहे होंगे। अब थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। नंबर 5 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल में 5th पॉइंट। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बोर मॉडल का कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट होता जाएगा। वो समझिए कैसे, कि जब रदरफोर्ड का मॉडल पड़ा था तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग मूविंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लास्ट में किसके अंदर गिर जाता था, न्यूक्लियस में, और इसलिए वो बोर का मॉडल फेल था। अब वो पॉइंट तो यहां पर भी आ गया, किसके सामने, बोर के सामने। बोर से भी एक क्वेश्चन है, बोर के सामने भी एक प्रॉब्लम है, कि जिस प्रकार से रदरफोर्ड के मॉडल में कंटिन्यूअस मूवमेंट करता हुआ इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट लास्ट में गिर जाता है न्यूक्लियस में, तो यहां इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे समझाएंगे इस बात को। इसके लिए आप इस पर एक बार अच्छे से सुनिए, जिससे आपको याद हो जाएगी बात। बोर कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता हुआ, ये देखो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये नेक्स्ट ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो लोअर ऑर्बिट से जंप करता है हायर ऑर्बिट में। ये देखिए ये हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जब लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करता है तब तो एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है, बाहर निकलती है एनर्जी। और जब ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तब तो ये एनर्जी गेन करता है, जब लोअर से हायर में जाएगा तब तो एनर्जी गेन करेगा, और जब ये हायर से लोअर में जाएगा तब ये एमिट करेगा, बाहर निकालेगा। एक बार फिर समझ लीजिए इसको, कि जब आपके पास एक एटम है और उस एटम में ये इलेक्ट्रॉन है, वो देखो लोअर से कहां जा रहा है, हायर ऑर्बिट में जा रहा है, तो एनर्जी गेन करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तब एनर्जी एमिट करेगा, बट टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए 5th पॉइंट में बोर के मेन पॉइंट्स में से नेक्स्ट बोलिए कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो बोलिए एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करके अंदर क्यों नहीं गिरता, बाहर क्यों नहीं निकलता। आप याद रख लो कि यदि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो
तो उसके लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा ई। ऐसे नहीं है कि 3e-3 1 कर दे सीधा ही। तो बोलिए नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या बन सकता है, बोलिए e4-e3। तो शायद समझ में आ गया होगा कि अब अगला पॉइंट कैसे नोट करूं, बोलिए e5-e4 e6-e5। मींस एक पॉइंट याद रखिए, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। और जब आपके पास में डेल्टा ई की वैल्यू आ जाती है, तो फिर मैं इससे पहले ये नोट कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। ये मैक्सवेल की फॉर्मूला है, इसमें आप यहां पर ये वैल्यू रख रहे हैं, तो फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, बोलिए मैं इसी को लिख सकता हूं म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच, या फिर डेल्टा ई की जगह पे क्या जाएगा, बोलिए म्यू इज इक्वल्स टू e2-e1 अपॉन एच। ये एक ऐसा फॉर्मूला होगा बोर के मॉडल में जो आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा। कैसे, वो बोलेगा कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया है, बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हम तो केवल यही पूछेंगे कि कौन से ऑर्बिट से कौन से में आया है, वो बोलेंगे कि सपोज सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया है, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अपॉन एच, एच कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जब अपन न्यूमेरिकल का पोर्शन पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। स्टूडेंट्स आप फिर बताएं मुझे कि फिफ्थ पॉइंट आपके समझ में आ गया क्या। अपन ने अभी तक बोर मॉडल के 5 पॉइंट प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ी सी देर के लिए रिपीट करता हूं। फर्स्ट थॉमसन था, उसने कहा कि सर्क्यूलर होता है। सेकंड रदरफोर्ड था, उसने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। थर्ड पॉइंट, इस सर्कुलर पथ में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, और सर्कुलर पथ को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आया था कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते हो ऑर्बिट में, कितने होते हैं 2n2 बड़ी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट, हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर में आता है तो एनर्जी एमिट होती है, जब लोअर से इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट में तो एनर्जी को गेन करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, बट टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। जिसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, बोलिए डेल्टा ई इज इक्वल्स टू e2-e1। ये पॉइंट यदि प्रिपेयर हो गया है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूं, पॉइंट नंबर 6। सिक्स्थ नंबर पॉइंट पढ़िए कि जैसे मान लो मेरे पास में एक पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, आप सब मेरी तरफ देखो, वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एक पत्थर है, इस पत्थर को रस्सी से बांध लो और बांध करके ऐसे इस प्रकार से घुमाओ, रस्सी को छोड़ना नहीं है, देखो वो पत्थर या बॉल घूम रही है, तो आप ये महसूस करेंगे कि वो बॉल अपने ही ऑर्बिट में घूम रही है, मूवमेंट कर रही है। आप यदि इस रस्सी को छोड़ देंगे तो क्या होगा, छोड़ देंगे तो वो पत्थर दूर जाकर के गिरेगा। अब मैं आपको बोलूं कि इस पत्थर को एक बार आप इलेक्ट्रॉन मान लें और ये P+N है, ये देखो रस्सी को पकड़ रखा है, ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये वो बॉल है, पत्थर है, जो कि कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, बोलो मूवमेंट कर रहा है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो पता है ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बोलिए दूर जाएगा। तो बताइए क्यों जाएगा ये दूर, इसलिए जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर एक मास होता है, इस इलेक्ट्रॉन की एक स्पीड थी, वेलोसिटी थी, इसलिए इसका बाहर की तरफ ये एक फोर्स बनता है, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बोलिए mv² / r से रिप्रेजेंट किया जाता है। r मींस रेडियस, मींस डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक
अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो जेड मींस एटॉमिक नंबर इनटू ई स्क्वायर मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एटम में, अपॉन आर स्क्वायर। इसलिए आपको जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एम बी स्क्वायर अपॉन आर का एक फॉर्मूला याद रखना है। ये दोनों फोर्स यदि एक दूसरे को बैलेंस रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में मूवमेंट करता रहेगा। मींस इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बोलिए एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, बोलिए एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। स्टूडेंट्स भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बोर के लिए पूरी हिस्ट्री बनाता है, ये काफी काम आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये इस टाइप के ये जो पॉइंट बनते जा रहे हैं यही तो न्यूमेरिकल करवाएंगे। आप याद करो, देखो फोर्थ पॉइंट में अपने पास में एक फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन स्क्वायर, फिफ्थ में एक फॉर्मूला आ गया डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, सिक्स में एक फॉर्मूला आ गया क्या एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर आप क्या बोलेंगे, बोलिए एम क्या है वी जेड ई एंड आर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास अपन ने पहले से कैलकुलेट कर रखा है आपको पता होगा शायद, बोलिए अपन क्या नोट करें 9.18 × 10⁻²⁸ ग्राम, ये कैलकुलेशन की हुई है अपनी। v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ने कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है। z बोलिए नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटोन या एटोमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है तब तो वन और हीलियम है तो टू, ई ई मींस चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, सबको याद है, लेकिन इसको ऐसा भी लिख सकता है 4.8 × 10⁻¹⁰ ई एस यू की यूनिट में ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वो याद रखिए 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। फिर क्या है बोलिए, रेडियस, रेडियस मींस डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, आपको ये वाली इक्वेशन सबको याद रखनी है, पॉइंट नंबर सिक्स तक आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक पॉइंट और बता देता हूं यहां पर, सेवेंथ पॉइंट, उसके बाद अपन बोलेंगे कि मेन मेन सेवन पॉइंट बोर के आ गए हैं, उसमें भी एक फॉर्मूला बनेगा, फिर इसकी डिटेल स्टडी अपने सामने हो आएगी। नेक्स्ट प्लीज, पॉइंट नंबर सेवन बोर के एटॉमिक मॉडल में, नेक्स्ट पॉइंट्स, यस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर, सॉरी एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। ये आपको एक फॉर्मूला बोर के मॉडल का याद रखना है, ये क्या होता है इस बात को सीखिए। देखिए एम बोलो मास, वी बोलिए वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी बोलो मोमेंटम, मोमेंटम, अरे एम इंटू वी इज इक्वल्स टू पी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले से, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम, और R, R बोलिए रेडियस, रेडियस बोलिए चाहे आप इसी को क्या बोलिए एंगुलर, तो पूरा नाम बोलो ना एक बार MBR, MBR बोलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, N नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, H कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू को अपन न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। आप बताइए सभी स्टूडेंट्स, बोर मॉडल में मेन पोस्टुलेट्स आपके यहां तक क्लियर हुए होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।